तो YouTube चैनल में गाइज आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं AS ऑटो। तो आज हमारे पास ये 125 सीसी का पल्सर है जो कि BS6 बाइक है। इसमें गाइज दिक्कत की अगर बात करें तो दिक्कत यही है, जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं बड़बड़ सी आवाज़ आता है। तो चलिए गाइज हम आपको दिखा देते हैं, जब हम पूरा रेस अगर लेते हैं तो उस समय हमारा आवाज़ पता नहीं चलता है, और जब हम रेस कम करते हैं क्या होता है, फटफट फटफटाहट सी आवाज़ आता है। तो वो कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो उसे किस तरीके से हमें सही करना है, तो वो चीज़ गाइज हम दिखाने वाले हैं। और आवाज़ खुद आप सुन सकते हैं कि कैसे आवाज़ हो रहा है इसका। तो फटफटाहट सी आवाज़, जिस तरीके से हमारा एक हाउस पाइप अगर कट जाता है या हम एयर फिल्टर निकाल देते हैं जैसा आवाज़ करता है, उसी तरीके से सेम इसका आवाज़ है। तो एयर फिल्टर हमने खोल के भी देखा, पूरा उधर क्लियर है, पर यहाँ से क्या है गाइज, इस पाइप में दिक्कत है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फटा हुआ है। तो यही फटने के कारण से क्या है, हमारा आवाज़ भड़बड़ सी कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे खोलेंगे और इसे सेट करेंगे। तो वो चीज़ किस तरीके से सेट करना है, तो 5 नंबर का हमें एलंकी लेना है और यहाँ से एक बोल्ट होता है 5 नंबर का, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें निकाल लेना है बाहर, और उसके बाद इसे भी हमें बाहर करना है। तो यहाँ से गाइज हमें पाइप को खोलना होगा, पाइप हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है इसीलिए हमारा इधर नहीं आ रहा है। तो इस आवाज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि हमारा जो इंजन से आवाज़ आए, साउंड आए, वो चीज़ भी बहुत ही अच्छा आएगा फिर। और इस तरीके में हमारा भड़बड़ करता है। तो यहाँ से हमने काट के हटा दिया इसको, और इसके बाद इसमें हम क्लिप लगाएंगे ये वाला। और भी इसमें एक दिक्कत आता है गाइस, तो चलिए पहले हम इसे लगाते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको। एक पाइप और होता है इसमें जो कि वो किस काम का होता है। तो यहाँ पे हमें इस लॉक को अच्छे से ऊपर की ओर चढ़ा देना है, लॉक कर देना है टाइट, ताकि फिर हमारा ये चीज़ टूटे ना या लूज ना पड़े। तो अब हमें इसे लगा देना है, और यहाँ से ऊपर हमारा एक क्लिप होता है जो कि उसके बीचों बीच ये पाइप हमारा आता है, तो उस क्लिप में हमने लगा दिया है। अब इस पाइप को हमें अच्छे से सेटिंग करना है, यहाँ पे इसे लगा देंगे। अगर यहाँ से भी हमारा क्या होता है, कभी खुल जाता है या कट जाता है, तो इस तरीके का हमें आवाज़ आने लगता है, या एयर फिल्टर अगर हमारा नहीं है, ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण से भी इस तरीके का साउंड होता है। ऐसा मतलब साउंड ऐसे भी लगता है कि हमारा साइलेंसर फट गया, या अच्छा नहीं लगता है सुनने में या बाइक को चलाने में। तो इसे हमने लगा दिया है। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे एक छोटा सा पाइप होता है पतला वाला, ये आप देख सकते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे लगाना होता है, और ये चीज़ अगर हमारा पाइप कभी खुल जाता है तो क्या होगा, जैसे हम बाइक का रेस छोड़ेंगे वैसे ही हमारा बाइक बंद हो जाएगा, मतलब ज़रा सा भी रेस नहीं रुकेगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो अब आप आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके से हमारा साउंड हुआ पहले से, हालांकि बेहतर। तो गाइज मोबाइल में क्या होता है, उतना हमें उस तरीके से साउंड पकड़ में नहीं आता है, हालांकि हल्का फुल्का हम पहचान सकते हैं अगर ध्यान देते हैं तो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।